नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। जनादेश में आज बात लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में हुए आज मतदान की करेंगे। बताएंगे किस तरह छत्तीसगढ़ में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग हुई है और लोगों ने किस तरह लोकतंत्र के महाउत्सव में अपनी सहभागिता निभाई है। इसके अलावा हमारे खास सेगमेंट आपके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आज बात करेंगे होशंगाबाद संसदीय सीट की। तो डीडी न्यूज की वोट यात्रा आज पहुंच गई है अनूपपुर जिले में, जिसमें देखेंगे क्या है अनूपपुर की मतदाताओं की राय, उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे, ये बात होगी साथ ही हमारे सेगमेंट वोट यात्रा में। वहीं बुलेटिन में लोकतंत्र के विविध रंगों की झलकियों को भी देखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लोकतंत्र के महापर्व में दूसरे चरण के लिए 12 राज्यों की 95 सीटों पर डाले गए वोट। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ मतदान। मूलभूत सुविधाओं से लैस होंगे मध्य प्रदेश के मतदान केंद्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने इंदौर और उज्जैन संभाग के अधिकारियों के लिए बैठक। मतदान संबंधी तैयारियों को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मतदाता जागरूकता के लिए सिवनी में स्वीप आइकॉन द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। बड़ी संख्या में शहर भर के गणमान्य नागरिक और मतदाता हुए शामिल। मां नर्मदा और सतपुड़ा के जंगलों के लिए प्रसिद्ध होशंगाबाद संसदीय सीट का क्या है मिजाज, देखिए होशंगाबाद संसदीय सीट की समस्याओं और खूबियों की नब्ज टटोलती डीडी न्यूज की विशेष रिपोर्ट। और दूसरे चरण के मतदान के दौरान नजर आए लोकतंत्र के विविध रंग, झलकियों में देखेंगे कैसे मतदान बना लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य। तो लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है शांतिपूर्ण ढंग से। 12 राज्यों के 95 लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटें राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद भी शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा इन सीटों पर सुचारू, सुगम और निष्पक्ष मतदान को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस चरण में राजनांदगांव में 14, महासमुंद में 13 और कांकेर में 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इस चरण में छत्तीसगढ़ के 49 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। तीनों लोकसभा क्षेत्र में कुल 6484 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों के 13 विधानसभाओं में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान संपन्न कराया गया, जबकि नक्सल प्रभावित राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मोहल्ला मानपुर तथा कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, केशकाल एवं कांकेर विधानसभा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। महासमुंद के बिंद्रावनागढ़ में विधानसभा के अंतर्गत कुल कुछ मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले गए थे। इन सभी 3 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। फिलहाल तीनों सीटों पर भाजपा का कब्जा है। राजनांदगांव एवं महासमुंद सीट पर भाजपा पिछले 2 लोकसभा चुनाव से लगातार जीत रही है। वहीं कांकेर सीट पर भाजपा का लगातार 6 बार से कब्जा रहा है। हम लोग सुबह सुबह आए हैं अपना काम धंधा छोड़ के, काम में जाएंगे करके अपना नवा अच्छा नेता चुनने के लिए, काम धंधा अपना गांव का विकास कराने के लिए, चुनने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदाताओं की सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। उज्जैन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने चुनाव की तैयारियों को लेकर उज्जैन संभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें वीएल कांताराव ने मतदाताओं की सुविधा को लेकर
अधिकारियों को निर्देशित किया। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई तैयारियों की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि अब सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल स्टैंड सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे मतदाताओं को धूप में खड़े होकर मतदान नहीं करना पड़े। मतदाताओं के लिए सभी केंद्रों पर उत्तम बैठक व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता बिना इंतजार किए सीधे मतदान केंद्र में जा सकेंगे। वहीं निर्वाचन आयोग ने इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए कम से कम 75% मतदान कराने का लक्ष्य रखा है। बैठक में संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक के साथ उज्जैन संभाग के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में सातवें चरण में मतदान होना है। समूचे संभाग में चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में भारत निर्वाचन आयोग के सचिव एसबी ओझा और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव इंदौर संभाग के 8 जिलों में लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समीक्षा बैठक आयोजित कर संभाग के सभी जिलों में चल रही तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सचिव जोशी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था, मतदान सामग्री वितरण और आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वे निर्वाचन तैयारियों से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में न्यूनतम 75% तक मतदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। और अब बात मतदाता जागरूकता की। प्रदेश भर में स्वीप प्लान के तहत कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिवनी में दिव्यांगों का एक क्रिकेट मैच खेला गया, जिसके माध्यम से मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया गया और लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़ कर मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया। दृष्टिबाधित दिव्यांगों ने क्रिकेट मैच के जरिए न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि इस दौरान स्लोगन और नारों के जरिए मतदान का संदेश भी दिया। इस मौके पर जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग वीरेश सिंह बघेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्रिकेट मैच के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा सभी दिव्यांग प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। जनादेश में हम आपकी संसदीय क्षेत्र के बारे में भी चर्चा करते हैं। 29 लोकसभा सीटों को लेकर हमारे विशेष सेगमेंट आपका संसदीय क्षेत्र में हम हर संसदीय सीट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आज बात होगी मध्य प्रदेश की होशंगाबाद संसदीय सीट की। मां नर्मदा के घाटों के लिए खास पहचान रखने वाले होशंगाबाद की राजनीतिक तस्वीर काफी रोचक है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला है। वर्तमान में होशंगाबाद संसदीय सीट पर भाजपा के राव उदय प्रताप सिंह का कब्जा है। भाजपा ने जहां राव उदय प्रताप सिंह को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने दीवान शैलेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों की कुल 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बना है। मां नर्मदा के सतत प्रवाह के कारण यहां भरपूर कृषि संपदा है, जिससे कृषि संबंधी उद्योग भी यहां प्रचुरता से स्थापित है। लेकिन आज भी संसदीय सीट पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी कई बुनियादी समस्याएं कायम है। इन परिस्थितियों में होशंगाबाद संसदीय सीट पर किसकी होगी जीत और किन समस्याओं पर होगा फोकस, इस पर हम जानकारी देंगे आपको। तो ये वो तमाम वो मुख्य बातें हैं आपकी स्क्रीन पर, जो ये बता रही हैं कि होशंगाबाद संसदीय सीट की आखिर तस्वीर किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं वहां के मतदाता और कैसी है चुनावी लहर इस वक्त होशंगाबाद में। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव देश भर में 7 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में चौथे, पांचवे, छठवे और सातवें चरण में मतदान होना है। पांचवे चरण में प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। नर्मदा के तट पर स्थित होशंगाबाद की स्थापना मांडू के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह ने 15वीं शताब्दी में की थी। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र 3 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसमें होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद, सिवनी मालवा, सोहागपुर और पिपरिया विधानसभा शामिल हैं। नरसिंहपुर की नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा और तेंदुखेड़ा विधानसभा और रायसेन जिले की उदयपुरा सीट शामिल हैं। इनमें से 3 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी का कब्जा है। होशंगाबाद संसदीय सीट से बीजेपी ने वर्तमान सांसद
राव उदय प्रताप सिंह पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर उनको टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने दीवान शैलेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं उन्हीं की प्राथमिकता हमारी रहेगी और कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य किसानों को कर्ज मुक्त करना और युवाओं को रोजगार देना है। अभी हम लोग नौजवानों के लिए काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है इस पंचवर्षीय में हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और एक जो हमारा यूथ है, नौजवान है, इस क्षेत्र में हमें बहुत फोकस करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यही हमारे लिए चुनौती भी है और यही संकल्प भी। मां नर्मदा के तट पर स्थित होने के कारण होशंगाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां गन्ना और सोयाबीन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। होशंगाबाद अंचल सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में से प्रमुख है। इसके साथ ही यहां भारतीय रुपया छापने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतिभूति कागज का कारखाना भी स्थापित किया गया है। जिले में भरपूर कृषि संपदा होने के बाद भी कृषि आधारित उद्योग ना के बराबर हैं। यहां का सोयाबीन, गेहूं, गन्ना सहित अन्य फसलें प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी किसान कई प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं। अगर बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए तो संसदीय सीट में काफी कमी है। होशंगाबाद में मतदाता इस बार अपनी बुनियादी समस्याओं को जोर शोर से उठा रहे हैं। जैसे किसान को मतलब किसी चीज़ की जरूरत पड़ गई या कोई आवश्यकता या गल्ले तुलाई में या किसी प्रकार में या कोई मतलब उसमें मुसीबत आ गई उसको सांसद को आन करके हल करना चाहिए। हमारा सांसद ऐसा हो जो हम लोगों के बीच आए, हम लोगों को बताए कि हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दिव्यांगों के लिए कुछ नए काम करें, थोड़ा सा हम लोगों को के लिए कुछ नया करें, रोजगार उपलब्ध कराए, जनता के बीच में आए, सबको समझे। लोकतंत्र के इस महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता में ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं प्रशासन ने भी मतदान को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन इस संसदीय क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए विभिन्न प्रकार की जन जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयोजनों से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं क्षेत्र में स्वीप प्लान के अंतर्गत युवा, महिला और बुजुर्ग मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिले के निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में उनका लक्ष्य 100% मतदान कराने का है। 6 मई को ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप की गतिविधियां हमारे पूरे जिले भर में चलाई जा रही हैं, जिसके तहत गांव-गांव में पोस्टर, बैनर्स, नारे लेखन का काम किया गया है। साथ में वाद विवाद प्रतियोगिताएं स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में की गई हैं, रंगोली प्रतियोगिताएं, इसके साथ साथ महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग सभी के जो कर्मचारी हैं गांव-गांव में करके कार्यक्रम करा रहे हैं। खासतौर से महिला बाल विकास के द्वारा महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन्होंने गांव-गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, नुक्कड़ नाटक, इन सब के माध्यम से भी प्रेरित कर रहे हैं। होशंगाबाद संसदीय सीट पर 5वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर मतदाताओं में जहां खास उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा इस महापर्व में मतदाता होशंगाबाद संसदीय सीट पर किसको विजयी बनाता है। होशंगाबाद से आशुतोष सराठे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। तो ये थी होशंगाबाद संसदीय सीट की बात, किस तरीके से चुनावी फिजाएं वहां पर देखी जा रही हैं। और अब बात जनता की, वो जनता जो अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए लोकसभा चुनाव में मतदान करेगी। आखिर क्या है जनता के मुद्दे, वोटर्स के दिल में क्या है, जनता के मुद्दों को जानने के लिए हमने शुरू की है वोट यात्रा। आज बात अनूपपुर जिले की होगी क्योंकि हमारी वोट यात्रा पहुंच गई है अनूपपुर। नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के लिए प्रसिद्ध अनूपपुर के मतदाता की क्या है प्रमुख मांगे, आखिर क्या चाहते हैं अनूपपुर के वोटर्स, देखिए हमारी ये वोट यात्रा सीधे अनूपपुर से। नमस्कार, मैं हूं अभय पाठक और अगर बात करें शेड्यूल लोकसभा के बारे में अगर बताना चाहूं तो मैं तो शेड्यूल लोकसभा में 8 विधानसभाएं, 8 विधानसभा में से जिसमें प्रमुख रूप से अनूपपुर जिला जो है तो 3 विधानसभाएं हैं। यहाँ पे करीब 58% 58% एसटी वोटर्स हैं। एसटी वोटर्स का उनका प्रतिशत जो है काफ़ी निर्णायक भूमिका में है। अब यहाँ पे अपन जानने की कोशिश करेंगे अनूपपुर जिला के वोटर का मिजाज क्या है, वोटर क्या सोचता है, उसके यूथ हैं उनकी राय क्या है, महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर,
चलिए पता करते हैं अपन, उसी की पता साझी करते हैं। ज्वाला योजना, आयुष्मान योजना, और अभी जो देश में अटैक हुआ था उसमें मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, और देश को ऐसा प्रधानमंत्री फर्स्ट बार मिला है, और उनके कार्यकाल में जो भी है बहुत अच्छा से कार्य हुआ है, सभी लोगों को ध्यान में रखकर उनका विकास किए हैं। मैं पहली बार वोट डाल रही हूँ इस लोकसभा चुनाव में। मैं ऐसी सरकार को चुनना चाहती हूँ जो देश का विकास करे और युवाओं के बारे में सोचे, देश के अच्छी शिक्षा लाए। सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, चिकित्सक योजना, सभी चीज का लाभ हुआ है। रोजगार के लिए लोन दे रहे हैं, जिनको रोजगार चाहिए लोन निकाले, जरूरी थोड़ी एक सरकारी नौकरी मिले। आप बैंक से लोन लीजिए, कोई भी धंधा पानी, बिजनेस कुछ भी करिए। अच्छा हुआ, घर बनाने का के लिए आया है, शौचालय के लिए भी आया था, सड़क योजना अच्छी से चल रही है, अनूपपुर को चारों ओर नई सड़कें बन गई, हाईवे बन गए, नए राज्यों से भी जुड़ गए। योजनाओं का फायदा यही होगा, वो शौचालय बन गया है, अब फोटो खिंचा लगी है, कहा तो की आवास दे, आवास योजना हुआ है, सड़क नहीं था सड़क बना है, जैसे आप विकलांग हैं उसका कुछ फायदा मिला, पेंशन मिल रहा है। मैं गरीब घर का बेटा हूँ, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे घर में मतलब पक्के मकान होंगे, शौचालय होगा, बिजली होगी, पानी होगी, सड़क होगा, मोदी जैसा है कोई देश में नेता। अरे बीमा पेंशन जो कर रहा है सरकार, वो तो ये 18 से 40 साल के लिए कर रहा है, हम लोगों के लिए तो नहीं कर रहा है, कि 40 से ऊपर नहीं दिया जाएगा, तो जो नियम निकाले शासन तो सबके लिए ना निकाली। पानी का वहाँ सुविधा ही नहीं है, सीतापुर गांव में पानी का कोई नहीं है साधन, डैम पंप यहाँ यानी गवर्नमेंट यहाँ कुछ दे ही नहीं रहा है, तो आदमी क्या करेगा खेती बाड़ी। मैं ऐसी सरकार को वोट डालना चाहता हूँ जो देश का विकास करे और देश को आगे बढ़ाए, युवाओं के लिए विकास करे। तो अनूपपुर से वोट यात्रा आप देख रहे थे, अनूपपुर के मतदाताओं के दिल की बात आप सुन रहे थे। कई प्रमुख मुद्दे हैं अनूपपुर की जनता के, अनूपपुर के मतदाताओं के, जो इस बार असर डाल रहे हैं। वह इस बार के चुनावों में दिव्यांग मतदाता अपनी भागीदारी निभाने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दल भी दिव्यांग मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए कई दिव्यांग हितैषी योजनाओं का उल्लेख भी कर रहे हैं। वहीं दिव्यांग भी अपनी प्राथमिकताओं और समस्याओं को लेकर सजग हैं, और इन चुनावों में प्रत्याशियों को वोट देने में ये भी सभी मुद्दे अहम हैं, उनके मुद्दे भी, और उनका ध्यान वो रख रहे हैं। देखिए दिव्यांग मतदाताओं की इस चौपाल में क्या है, दिव्यांगों की समस्याएं और क्या रहेंगी उनकी निर्वाचित होने वाली सरकार से अपेक्षाएं, हमारे इस चौपाल में। आज हम बात करेंगे दिव्यांग जनों से कि उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, वो किन मुद्दों को लेकर इन आम चुनाव में मतदान करेंगे, अपने वोट का प्रयोग करेंगे। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस समय जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? मुद्दे तो सर बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी सरकार है तो वो समाज के लिए अच्छा काम करे, जिससे कि समाज में जो भी जैसे दिव्यांग जनों का है तो उनका विशेष थोड़ा ध्यान दें, जो उनकी आवश्यकताएं हैं कि वो वोटिंग वो तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरा तो सजेशन ये है कि जो भी वार्ड में है या ये तो वो इंटरेस्टेड हैं वोटिंग करने के लिए, लेकिन कारण बस ये है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, और लोग घर वाले भी या तो नहीं पहुँचा पाते या तो उनके पास टाइम नहीं रहता। तो मेरा सजेशन ये है कि या तो इतनी व्यवस्थाएं सरकार करती है तो वो हर वार्ड में चिन्हित करके उनको वोटिंग बूथ तक कोई वाहन से प्रोवाइड करें, वहाँ तक पहुँचाए, जिससे कि वो अपना मतदान करके वो भी अपना एक सरकार का चुनाव कर सके। आप क्या सोचते हैं ऐसे कोई मुद्दे समाज में हैं देश में जिनको लेकर आप अपना वोट करेंगे? सर ये मैं यही बोलूँगी कि मतलब जो छोटे बच्चे दिव्यांग हैं उनका भी कुछ ख्याल रखे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाए और वोकल ट्रेनिंग भी दी जाए, मतलब बोलने वगैरह की, ताकि बच्चे भी थोड़ा अच्छा मतलब सेटलमेंट कर सकें आगे चल। आप बताइए आप किस तरह के मुद्दे देखते हैं इस बार चुनाव में जिसको लेकर आप वोट देंगे? सर मैं तो ये विकलांगों के लिए व्हील चेयर प्रोवाइड हो, जो बैठे रहते हैं ज़मीनों में उससे छुटकारा मिले, और सरकार को कड़े से कड़े कदम इन चीज़ों पर उठाने चाहिए।
अपना मुद्दा यह है सर कि जैसे जो दिव्यांग है और मतलब शिक्षा के लिए तो उसको किसी न किसी तरह शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो, लेकिन जो खास तौर से जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए कोई प्रशिक्षण सेंटर ऐसा हो जिसके मतलब सर्टिफिकेट के माध्यम से वो जैसे रोजगार के लिए कहीं अप्लाई करे तो कम से कम वो इंटरव्यू तक तो पहुंच सके। इस तरह का एक प्रशिक्षण चिन्हांकित हो जिसका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, ऐसा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मतलब जो भी दिव्यांग है जो जिस फील्ड में उसकी रुचि है उसको किसी तरह उसमें मदद करना चाहिए सरकार को। सर वोट डालेंगे तो सर सरकार नहीं बननी चाहिए, तो सर हमको रोजगार चाहिए, नौकरियां दें, सभी विकलांग जो भी हैं जो सर पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी, या जो नहीं है आए जो जिस तरह से उनकी स्थिति है उस टाइप से उनको रोजगार दिया जाए, उनके लिए कई व्यवस्था की जाए, उनकी शादी के लिए, उनके और रोजगार, उनको कई सुविधाओं के लिए उनको कुछ ऐसी सरकार अगर बनती है तो उनके लिए देखना चाहिए। वोट डालने तो मैं पिछले 15-20 चुनाव से वोट डाल रहा हूँ। कोई भी दिव्यांगजन, निशक्तजन या अपंग कोई भी पहुँचे सबसे पहले उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए वोट डालने के लिए, कितनी भी लंबी लाइन क्यों ना हो। दूसरी चीज़ जो है, कोई सी भी पार्टी सरकार आए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन वो उनको क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक के किसी भी चुनाव में या तो 12th या फिर मतलब ये स्नातक उसको होना ही चाहिए उम्मीदवार को। हाँ, और दूसरी चीज़ जो है मतलब ये अपंग जन इन लोगों के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाए, मतलब ये वोट डालने के लिए, जिससे उनको और रुकना ही ना पड़े, मतलब पहुँचे और सरकार कोई की बने। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये प्रमुख मुद्दे हैं दिव्यांगजनों के, और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो इस बार मतदान करेंगे। कैमरापर्सन प्रवीण बाकुड़े के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज भोपाल। तो ये तो थे दिव्यांगों के मुद्दे। हालांकि आयोग भी लगातार कोशिश कर रहा है कि दिव्यांगों का वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ाया जाए। भोपाल से अजीत द्विवेदी की ये रिपोर्ट देखी थी, लेकिन अब अजीत द्विवेदी अपनी वोट यात्रा लेकर भोपाल से निकल चुके हैं जबलपुर की ओर, और जबलपुर फिलहाल वो पहुंच चुके हैं। अजीत द्विवेदी जबलपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, आप अपनी वोट यात्रा लेकर इस वक्त जबलपुर पहुंच चुके हैं। जबलपुर एक वो संसदीय क्षेत्र है जहां पर दो दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विवेक तन्खा चूंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, राज्यसभा में सांसद रहे हैं, दोनों एक बार फिर चुनावी मैदान में। क्या कह रही हैं वहां पर चुनावी फिजाएं, क्या हवाएं नजर आ रही हैं आपको, क्योंकि बहुत जल्द जिसे कहें कि चौथे चरण में जो मध्य प्रदेश का पहला चरण होगा वहां मतदान होने वाला है। अजीत, आप तक मेरी आवाज आ रही है? देखिए, महाकौशल क्षेत्र की जो जबलपुर और छिंदवाड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, और जबलपुर में जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के बीजेपी जो अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, उनके अलावा जो उनके प्रतिद्वंदी हैं विवेक तन्खा जो कि वरिष्ठ वकील हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वर्तमान में राज्यसभा सांसद है कांग्रेस की तरफ से, दोनों के बीच में है। और इस समय यहाँ पे घमासान चुनाव प्रचार जारी है। अभी दोनों नेता जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर जो 8 तहसीलें आती है लोकसभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं दोनों नेता। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां पर लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और इसके अलावा धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों की ओर भी वो अपने जो तमाम गतिविधियां हैं वो कर रहे हैं। एक देखने वाली बात ये आ रही है इस समय लोकसभा चुनाव में, खासतौर पर हम देख रहे हैं यहाँ पर खासतौर पर जबलपुर में, कि इस समय जो पहले जो झंडे बैनर और तमाम तरह का जो प्रचार सामग्रियां होती थी सड़कों पर वो इस समय बहुत कम दिखाई दे रही है, और उसका उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो अनुशासन जो कायम किया है चुनाव आयोग ने ये बहुत बड़ा कारण है, और जो एक रोक लगाई है अंधाधुंध जो खर्च पहले किया जाता था उसकी जो लिमिट बांध दी है वो इसके पीछे एक बड़ा कारण देखा जा रहा है। जो कि हम यहाँ जब देख रहे हैं जबलपुर क्षेत्र में कि जिस तरीके से पहले के जो चुनाव अभियान होते थे वो बहुत ज्यादा खर्चीले होते थे, बहुत ज्यादा पूरे शहर में एक तरीके से पूरा शहर जो है पार्ट किया जाता था झंडे बैनर और तमाम तरह के जो प्रचार सामग्री थे, वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक अपने तरह का ये चुनाव यहाँ पर है। यहाँ जो वोटर है, जब हमने बात करी तो वोटर बहुत ज्यादा खुल के नहीं कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे अपनी नजर बनाए हुए है, उस पर फोकस है। जो एक चुनाव खर्च तय की है, चुनाव की खर्च की सीमा आयोग ने तय की है।
अजीत आपका रुख करेंगे हम बाद में भी अगले जनादेशों में और तमाम खबरों में आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जबलपुर की चुनावी खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और आइए अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महात्यौहार में देश भर से नजर आ रहे चुनावी रंगों को देखते हैं। हमारे खास सेगमेंट चुनावी झलकियों में आम चुनाव 2019 के लिए मतदाताओं को जागरूक करने निर्वाचन आयोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी चला रहा है और वो गतिविधियां की तस्वीरें भी अब देखने को मिल रही हैं। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों के लिए आज हुआ मतदान। कांकेर सीट पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। लंबी कतारों में लगकर मनाया लोकतंत्र का महापर्व। महासमुंद सीट पर भी दिखा कुछ इसी तरह का नजारा। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने दिखाया मतदान में उत्साह। तेज धूप का भी नहीं पड़ा असर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दुल्हन बनी मिसाल। शादी के तुरंत बाद मतदान केंद्र पहुंचकर किया अपने मताधिकार का प्रयोग। धमतरी में एक दूल्हे ने भी मतदान का किया लोगों को जागरूक। मतदाता जागरूकता को लेकर प्रदेश भर में नवाचार का दौर जारी। मंदसौर में शादी में किया गया मतदाताओं को जागरूक। दूल्हा दुल्हन ने हाथ में पोस्टर लेकर दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। लोकतंत्र के महात्यौहार में महिलाएं कर रही हैं लोगों को जागरूक। मणिपुर में पोलिंग बूथ पर महिलाएं रही मौजूद। सुरक्षा गर्मी से लेकर मतदान करवाने तक का लिया जिम्मा। तो ये तो वो झलकियां थी जो वाकई जिसे ये कहें कि लोकतंत्र के अलग अलग रंगों को दिखाती हैं। लेकिन आइए अब 3 मिनट में 10 चुनावी खबरों को देख लेते हैं। क्या रही वो 10 खबरें चुनाव की। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के लिए हुई दूसरे चरण की वोटिंग। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही देखी गई मतदाताओं की कतारें। दूसरे चरण में 12 राज्यों के 95 सीटों पर डाले गए वोट। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा बलों की कई कंपनियां और जिला प्रशासन की तैनाती रही। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कैमरों से रखी गई निगरानी। दूसरे चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर भी हुआ मतदान। राजनांदगांव कांकेर और महासमुंद संसदीय क्षेत्र में डाले गए वोट। राज्य के 49 लाख के करीब मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का उपयोग। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चुनाव आयोग ने सुचारू सुगम और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए किए व्यापक इंतजाम। नक्सल प्रभावित राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुआ मतदान। मध्य प्रदेश में मतदान केंद्रों पर वोटर्स को मिलेगी सभी जरूरी मूलभूत सुविधाएं। मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों और वृद्धजनों को नहीं लगानी होगी कतारें। निर्वाचन तैयारियों को लेकर उज्जैन में हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। देश भर में चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बालकोट में की चुनावी सभा। कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा। इस बार भी किया पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत सरकार बनाने का दावा। फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने भरा नामांकन। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भरा नामांकन। इसी सीट से भाजपा ने राजनाथ सिंह को बनाया है उम्मीदवार। मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर भरा नामांकन। मुरैना सीट से बहुजन समाज पार्टी ने उद्योगपति करतार सिंह भंडाना को बनाया है अपना प्रत्याशी। और दूसरे चरण के मतदान के दिन गूगल ने एक बार फिर डूडल बनाकर किया मतदाताओं को प्रेरित। मतदाता जागरूकता के सुंदर गूगल डूडल ने लोगों को किया आकर्षित। और इसी के साथ जनादेश में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे चुनाव की उन खबरों को लेकर जो आपके लिए जानना जरूरी है और किस तरीके से चुनाव में अब धीरे धीरे तेजी आ रही है ये भी आपको बताएंगे। कल जनादेश में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।